हेलो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई टर्म वन बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो 2022 के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसमें क्या इम्पॉर्टेंट 10 पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं आर्टिकल। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर वन, और अगर हम बात करें पॉइंट नंबर सेकेंड, जो एग्ज़ाम है फॉर मेजर सब्जेक्ट विल बी हेल्ड एज पर दी सीबीएसई डेट शीट। तो आपको पता है सीबीएसई की डेट शीट आ गई है, वो आप सीबीएसई की साइट से चेक कर सकते हैं। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम के ड्यूरेशन है, जो आपका टाइम है एग्ज़ाम का वो है 90 मिनट्स, यानी 1.5 आवर्स आपके पास टाइम होगा एग्ज़ाम करने के लिए। पॉइंट नंबर थर्ड आपको याद रखना है, इन व्यू ऑफ विंटर सीज़न The exam will begin at 11:30 AM instead of 10:30 AM। तो जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होना है वो कब से स्टार्ट होना है, 11:30 से, ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स विल गेट 20 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले तो आपको 20 मिनट का जो है आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा, जो कि सफिशियंट टाइम होता है। और इस टाइम में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो आपको पता है कि ये क्वेश्चंस का आंसर ये होगा, आपको उस 20 मिनट्स को इस तरीके से यूटिलाइज करना है। और इस 20 मिनट में आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार ऊपर से देख जाना है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपको पहले क्या करना है और लास्ट में क्या करना है। ठीक है, फॉर दी टर्म वन एग्जाम देयर विल बी नो एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो टर्म वन एग्जाम के लिए कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं होगा। कस्टमाइज OMR विल बी सेंड टू द एग्जाम सेंटर। तो OMR शीट जो है आपको आपके एग्जाम सेंटर पर ही मिलेगी। सेपरेट शीट मिलेगी आपको रफ वर्क के लिए। तो बच्चों को डाउट होता है कि OMR शीट ही मिलेगी खाली, तो जहाँ कैलकुलेशन कैसे कहाँ करेंगे, तो उसके लिए आपको जो है सेपरेट शीट दी जाएगी जिसमें आप रफ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स विल बी इशू रोल नंबर ऑन November 9th। तो रोल नंबर के बारे में भी यहाँ डाउट हो रहा था, तो रोल नंबर का भी डाउट क्लियर हो गया होगा। और जो सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम्स का 2022 का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड टर्म एग्जाम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जो है कंप्लीट आर्टिकल रीड कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में बता दी। थैंक यू।